राम राम जी सभी को। मैं कई दिनों से मेरे मन में बात चल रही थी, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है श्राद्ध चल रहा है, तो मुझे ना श्राद्ध में अभी तक समझ ही नहीं आया कि यार जब तक इंसान जिंदा है तब तक हम करते ही नहीं है, ठीक है, उससे दूर दूर भागते हैं। और मरे पीछे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम थोड़ा सा भोग लगा देंगे उन्हें तो हमें वो ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि जिंदा था जब तक वो इंसान, हमने उसकी करी नहीं। अब मरे पीछे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे, इस रूप में आएंगे भोग लगाने। मुझे समझ नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। बट लेकिन श्राद्ध भी करो यार, दिल से करो। और श्राद्ध भी तुम्हारा जब लगेगा यार, जब तुमने उस इंसान की, जब वो जिंदा था, उसकी करी होगी, ठीक है, उसे खुश रखा होगा। तो होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है यार। जब तक बड़े बूढ़े आपके साथ हैं वो ब्लेसिंग समझो, ठीक है। भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि बड़े बूढ़े हमारे साथ हैं, तो उनका आशीर्वाद अपने साथ बना के रखो, उन्हें खूब प्यार दो, खूब जितना हो सके उनकी करो यार, ठीक है। राम राम जी।